तो आज हम देखेंगे कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंप्यूटर को यूज करने में। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि कीबोर्ड की डेफिनेशन क्या होती है। अ कीबोर्ड इज अ इनपुट डिवाइस यूज्ड टू एंटर टेक्स्ट नंबर्स एंड कमांड्स इनटू कंप्यूटर और अदर डिजिटल डिवाइस। इट कंसिस्ट सेट ऑफ कीज इज रिप्रेजेंटिंग अ स्पेसिफिक कैरेक्टर और फंक्शन। इट इज एसेंशियल टूल फॉर डेटा एंट्री एंड इंटरेक्शन विद कंप्यूटर। मतलब तो अगर इसका हिंदी में मतलब बताऊं तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। अगर आपको नहीं पता इनपुट डिवाइस क्या है तो नीचे लिंक मिल जाएगा, तो वहां पर से देख लेना इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। बेसिकली अगर शॉर्ट में बताऊं तो इनपुट डिवाइस का मतलब है यानी वो डिवाइस जो कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो कीबोर्ड है ये एक इनपुट डिवाइस है, तो इससे हम टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, नंबर एंटर कर सकते हैं एंड कमांड्स एंटर कर सकते हैं। हम बताऊंगा कि ये किस प्रकार हम कर सकते हैं और एक कमांड्स वमांड्स क्या होती है। ठीक है, इनटू कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं और डिजिटल डिवाइस यानी किसी और वे में हम यूज कर सकते हैं। ये नहीं कि कंप्यूटर में यूज करना है, हम मोबाइल में भी कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ कीज, इसमें सेट ऑफ कीज होती है। मैं बताऊंगा कितनी कीज होती है इसमें। इज रिप्रेजेंटिंग द स्पेसिफिक कैरेक्टर यानी हर एक की में स्पेसिफिक कैरेक्टर दिया होता है और फंक्शन दिया होता है। ये फंक्शन किस प्रकार दिया होता है ये भी हम देखेंगे। एंड इट इज द एसेंशियल टूल फॉर डेटा एंट्री यानी मेनली जिसमें बात करी गई है इसकी डेफिनेशन में वो डेटा एंट्री की बात करी गई है। डेटा एंट्री में या फिर इंटरेक्शन विद कंप्यूटर या फिर अदर डिवाइस के साथ इंटरेक्शन के लिए करी गई है। ठीक है, तो हम इसके सबसे पहले लेआउट के बारे में देखते हैं किस प्रकार दिखता है। तो ये है किसी कीबोर्ड का लेआउट। ठीक है, ये PNG फॉर्म है, इसमें अभी देखा पूरा नहीं लिया मैंने कि 1 2 इसमें कुछ लिखा नहीं गया अभी मतलब। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार है ये, इसमें है कि जो लाल वाले हैं, जो भी लाल वाले दिख रहा है यहाँ पर नीचे देखो ये कंट्रोल कीज है, इनको क्या कहते हैं हम कंट्रोल कीज। उसके बाद ये वाले जो है ये वाले इसको कहते हैं क्या फंक्शन कीज, यहाँ पे लिखा होता है ना F1 F2, ये सब फंक्शन कीज होती है। उसके बाद ये जो है जितना भी है ये कितना ये येलो वाला सेक्शन है यहाँ से लेके आता हूँ, इनको कहते हैं हम टाइपिंग या फिर एल्फान्यूमेरिक कीज, इसे हम टाइप करते हैं बेसिकली ज्यादातर हम इनका यूज करते हैं। उसके बाद आता है नेविगेशन की, ये वाले हमारे नेविगेशन की, इन सबको बताऊंगा मैं कि किस प्रकार ये काम करते हैं अभी। तो मेरे वाला में जो फुल वाला कीबोर्ड है तो इसमें कहते हैं हम न्यूमेरिक की, इसमें नंबर्स दिए होते हैं। उसके बाद आते हैं ये ऊपर वाला सेक्शन, इसको कहते हैं इंडिकेटर लाइट। अब इसको भी बताऊंगा मैं कि इंडिकेटर लाइट कैसे काम करती है। तो इसकी कीज देखेंगे हम सबसे पहले फंक्शन कीज। द फंक्शन कीज आर यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, दे आर लेबल्ड एज F1 F2 F3 एंड सो ऑन टू अप टू F12। द फंक्शन ऑफ दीज कीज डिफर फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम। तो ये ऊपर वाली बात करेंगे ना, ये वाली ये फंक्शन की वाली, ये जो सबसे ऊपर की है ये फंक्शन कीज होती है। कितनी होती है 12 4 8 और 12। तो ये F1 से लेकर F12 तक होती है, लास्ट का जो है ये F12 कहा जाता है। तो इसमें अलग अलग फंक्शन के अकॉर्डिंग कमांड दी होती है और ये अलग अलग सिस्टम के अकॉर्डिंग वो चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, एल्फान्यूमेरिक या फिर टाइपिंग कीज, दीज कीज इंक्लूड द सेम लेटर नंबर पंक्चुएशन एंड सिंबल्स कीज फाउंड ऑन द ट्रेडिशनल टाइपराइटर। यानी ये वाला जो है, ये वाला सेक्शन जो है येलो वाला, इनको हम एल्फान्यूमेरिक कीज भी कहते हैं, एल्फान्यूमेरिक या फिर टाइपिंग कीज, क्योंकि बेसिकली जो हमारे ज़्यादातर काम होता है वो टाइप करने में जाता है। तो इसमें बहुत सारी कीज होती है, जैसे कि यहाँ पर होता है टैब, यहाँ पे कैप्स लॉक, यहाँ पे शिफ्ट, यहाँ पे क्वेटी। ये जो सेक्शन है ना, ये जो सेक्शन है येलो वाला, ये जो पहले टाइपराइटर आते थे सेम उसी की तरह है अभी भी। और इसमें यहाँ से होता है ये बैकस्पेस, यहाँ पे एंटर, शिफ्ट, ये जो है ये सब क्या होता है, इनको हम कहते हैं टाइपिंग सेक्शन। आगे समझ। उसके बाद आता है हमारा कौन सा कंट्रोल कीज, जो रेड वाले दिख रहे थे वहाँ पे कंट्रोल कीज। दीज आर यूज फॉर अलोन और इन द कॉम्बिनेशन विद द अदर कीज टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज ऑफ कंट्रोल कीज आर कंट्रोल अल्ट एंड विंडोज की या फिर एस्केप की। मैं बताता हूँ कि कैसा होता है। देखो ये जो कंट्रोल कीज है, ये वाली कंट्रोल की है, एस्केप कहते हैं इसे, ये हमारा कंट्रोल, ये विंडोज की होती है, ये अल्ट की होती है। फिर यहाँ पे ये वाला आता है, ये अल्ट होता है, ये विंडोज होता है, फिर ये वाला कंट्रोल होता है। फिर यहाँ पे आते हैं तीन, ये है प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल एंड ब्रेक पॉज। ये सब क्या है हमारे कंट्रोल कीज। इसका क्या हम क्या होता है कि अगर हम एक को दबाएं या फिर मल्टीपल कॉम्बिनेशन के साथ दबाएं तो ये अलग ही कमांड शो कर पाते हैं, अलग ही कमांड ये दे पाते हैं। तो उसके बाद है नेविगेशन कीज। नेविगेशन की दीज कीज आर यूज्ड टू मूविंग अराउंड द डॉक्यूमेंट ऑफ वेब पेजेस एंड एडिटिंग टेक्स्ट। दे इंक्लूड द एरोज होम एंड पेज अप पेज डिलीट एंड इंसर्ट। चलो ये भी देख पाते हैं हम किस प्रकार होता है। तो ये वाला जो सेक्शन है ये हमारा नेविगेशन की का सेक्शन है, मतलब ये होता है इंसर्ट का, ये होम का, ये पेज अप पेज डाउन एंड डिलीट। तो जो कोई भी डॉक्यूमेंट है ना उसमें अगर उसके होम पर जाना है तो ये वाला दबाओ, उसके लास्ट में जाना है एंड पे जाना है तो ये वाला दबाओ, उसके एक पेज ऊपर करना है यानी स्क्रीन कई बार ऊपर करना है तो ये वाला दबाओ, और अगर पेज डाउन करना है तो ये वाला दबाओ, इंसर्ट के लिए ये वाला और डिलीट के लिए ये वाला। और ये वाले जो होते हैं ये अप डाउन लेफ्ट राइट के लिए यूज करे जाते हैं, यानी नेविगेशन ऑफ द वेब पेज और एनी डॉक्यूमेंट। ठीक है,
तो ये नेविगेशन की ऐसे काम करती है। उसके बाद आते हैं हमारे न्यूमेरिक कीज। अब इनकी बात करते हैं, न्यूमेरिक कीज के बारे में इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं हमारे किस प्रकार कह रहा है वो। तो न्यूमेरिक कीपैड, द न्यूमेरिक कीपैड इज हैंडी फॉर एंटरिंग नंबर्स क्विकली। द कीज आर ग्रुप टुगेदर इन द ब्लॉक लाइक कन्वर्सेशन कैलकुलेटिंग और एडिशनल मशीन। तो अब देखता हूँ कहने के जाता हूँ, जो न्यूमेरिक की है, जो राइट सेक्शन है लास्ट वाला ब्लू वाला, ये न्यूमेरिक सेक्शन है। मतलब इसमें जो भी डेटा इसमें डालना है वो क्या होगा, नंबर में होगा। जैसे कि यहाँ से स्टार्टिंग होती है 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद आता है हमारा ये वाला 0, ये डॉट, ये एंटर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब डिवाइड एंड यहाँ पे नम लॉक। इसको बताऊंगा ये नम लॉक क्या है, पर इतना जान लो कि इतना जो है ये अरिथमेटिक सेक्शन है, न्यूमेरिक सेक्शन है, क्योंकि इसमें हम नंबर्स स्टोर कर देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स होते हैं, वैसे नंबर इसमें भी होते हैं और हम इसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे कि शिफ्ट दबा के हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और जो न्यूमेरिक होती है इसमें स्पेशली नंबर्स ही दिए होते हैं, अगर कोई हमारा कैलकुलेटर का काम है तो वो राइट साइड से हम परफॉर्म कर पाते हैं। और उसके बाद है इंडिकेटर लाइट। अच्छा, इंडिकेटर लाइट जो होती है 3, ये क्यों यूज़ होती है? पहला है हमारा नम के लिए, मतलब यहाँ पे एक नंबर का बटन होता है जिसे कहते हैं नम लॉक। अगर हम उसे दबाएं तो यानी हम इस सेक्शन को यूज़ कर पाते हैं, जो राइट वाला सेक्शन न्यूमेरिक सेक्शन, इसको हम तभी यूज़ कर पाएंगे जब ये वाली लाइट ऑन होगी और यहाँ पे ये दबा होगा। अगर हम एक बार दबाएंगे तो यहाँ पे लाइट ऑन हो जाएगी, यानी हम ये वाला सेक्शन यूज़ कर सकते हैं। पर अगर यहाँ पे लाइट ऑफ है तो हम ये वाला सेक्शन यूज़ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद सेकंड हमारा कैप्स, ये हो पाता हमारा कैप्स लॉक की हेल्प से। इसकी यानी अगर हमने एक बार कैप्स लॉक दबा दिया तो यहाँ पे लाइट आ जाएगी और यहाँ पे जो भी हम दबाएंगे, जो भी लेटर दबाएंगे वो कैपिटल लेटर में शो होंगे हमें, वरना तो वो स्मॉल लेटर में होते हैं। पर अगर हमने कैप्स दबा दिया तो हम जो भी लेटर दबाएंगे उसके बाद अगर इसमें लाइट ऑन हो गई तो वो क्या होंगे, अल्फाबेटिकली कैपिटल लेटर में यूज होंगे। उसके बाद लास्ट हमारा स्क्रॉल, ये इनेबल हो पाता है, यहाँ पे एक बटन होता है स्क्रॉल लॉक, यानी स्क्रॉल को अगर हमें लॉक करना है किस डायरेक्शन में वो फ्लो होगा तो उसके लिए हम स्क्रॉल लॉक का यूज़ कर पाते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कीबोर्ड के बारे में, कीबोर्ड के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो इतने टाइप के होते हैं कीबोर्ड्स, क्वेटी कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड, यूएसबी, मैकेनिकल, मैजिक, ब्लूटूथ, गेमिंग, ये वो। तो इन सबको इससे अच्छा हम देखते हैं कैटेगरी बना के किस प्रकार हम देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वायर्ड कीबोर्ड में कौन कौन से कीबोर्ड आते हैं। सबसे पहले हमारा मैकेनिकल कीबोर्ड, देन एर्गोनॉमिक्स, मेम्ब्रेन, बैकलिड, मैजिक एंड फ्लेक्सिबल। इन सबको मैं वन बाय वन दिखाऊंगा, पर फिलहाल इतना हम एक बार में देख लेते हैं कि क्या क्या है। वायरलेस में हम सिर्फ 3 देखेंगे, वायरलेस कीबोर्ड, यूएसबी एंड ब्लूटूथ वाले, ठीक है। इन सबको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कौन से वायर्ड वाले, जिसमें कि हमारा मैकेनिकल कीबोर्ड। मैकेनिकल कीबोर्ड किस प्रकार के कीबोर्ड होते हैं जिनमें कि आवाज़ बहुत मज़ेदार आती है। अगर इनको दबाएं तो एकदम सुकून वाली वाइब आएगी और इसमें काफ़ी ऊंची ऊंची चीज़ होती है जो कि दबाने पे ना एकदम अच्छी फील आती है। उसके बाद आते हैं हमारे अर्गोनॉमिक कीबोर्ड, यानी ये इसी तरह से डिज़ाइन होते हैं कि जैसे हमारा हैंड जो है वो नेचुरली जिस प्रकार होता है टेढ़ा होता है ना, एकदम ऊपर रखे तो हमारा हाथ टेढ़ा होता है, तो उसी प्रकार की इसमें कीज़ होती है। इसकी तरह सीधी सीधी नहीं होती, सबके सबके हमारे हाथ थोड़ा वो करना पड़े, परंतु इसमें ऐसी टेढ़ी की होती है। इसका डिज़ाइन इस प्रकार होता है कि हमारा हाथ उसको क्या कर पाए, नेचुरली उस पर चल पाए। उसके बाद आता है मेम्ब्रेन कीबोर्ड। मेम्ब्रेन कीबोर्ड क्या होता है, इसके अंदर ना ये जो मैकेनिकल कीबोर्ड है इसके अंदर अलग से स्विच होते हैं, ब्लैक वाले, ब्लू वाले होते हैं एंड रेड वाले होते हैं। पर ये जो मेम्ब्रेन वाला है इसके अंदर क्या होते हैं कि ये ऐसे कुछ वाइट कलर का होता है, कीबोर्ड के नीचे ऐसे कुछ वाइट कलर का क्या होता है, ये मेम्ब्रेन होता है, प्लास्टिक सा होता है, कुछ रबड़ सा, रबड़ टाइप का। तो उसमें क्या होता है कि जब यहाँ से हम दबाते हैं तो वो नीचे दब पाता है और फिर नीचे सर्किट होता है, उस सर्किट पर लग के वो परफॉर्म कर पाता है जो भी हमारा की हमने प्रेस करी है। उसके बाद हम आता है कौन सा, बैकलिट कीबोर्ड। बैकलिट कीबोर्ड क्या होता है, वो कीबोर्ड जिसमें लाइट होती है बेसिकली, यानी हर वो कीबोर्ड जिसमें लाइट होती है वो बैकलिट कीबोर्ड में आ जाता है। और ये जनरली किसमें पाई जाती है, ये पाई जाती है हमारे मोस्टली जो है वो होते हैं हमारे लैपटॉप्स में, क्योंकि वो उनकी हाइट काफ़ी छोटी होती है और उनमें लाइट होती है, तो बैकलिट कीबोर्ड में आ जाते हैं। उसके बाद हमारा फ्लेक्सिबल कीबोर्ड, यानी ये इस प्रकार की कीबोर्ड है भाई कि ये रबड़ के हैं, ये पूरा रबड़ का सेक्शन होगा, एक प्रकार का रबड़ होता है जिसमें कि ऐसे ही लगे होते हैं और ये जो मुड़ भी सकता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है फ्लेक्सिबल है तो ये मुड़ भी सकता है ऐसे करके। देन उसके बाद कौन सा हमारा, मैजिक कीबोर्ड। अरे मैजिक कीबोर्ड कुछ नहीं है, ये बाकी एक टाइप नहीं है, ये एप्पल वाले जो भी कीबोर्ड होते हैं ना उसको मैजिक कीबोर्ड बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने बनाया और वो अपनी तरफ से कुछ भी नाम रख सकते हैं। और वायरलेस कीबोर्ड सिर्फ 2 तरीके से यूज़ करे जाते हैं, फर्स्ट वन इज़ द यूएसबी एंड सेकंड वन इज़ ब्लूटूथ। एज़ पर द नेम, जैसे कि इनका नाम ही है, इसमें एक यूएसबी लगती है, ऐसी कुछ प्रकार की होती है वो यूएसबी, जो पहले लगाते हैं हम कीबोर्ड में, सेकंड वाला लगाते हैं अपने कैबिनेट या फिर सीपीयू में। और वैसे ब्लूटूथ ये डायरेक्टली ब्लूटूथ से कम्युनिकेट कर पाते हैं। दैट्स इट।